सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोग भी प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो जैसा कि देख रहे होंगे, हमारी जान के चेहरा पे पूरा मुस्कान दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रही है। तो ये खुद बताने वाली है क्यों इतना आप खुश हो, बताओ। तुम बताओ, तुम बताने वाले थे, तुम बोला कि हम बताएंगे। नहीं नहीं, गजब बेइज्जती है। आप भी बताओ। वैसे मैं ही पहले बताता हूँ, ठीक है? इसको चाहिए भाई कुछ ज्वेलरी, मतलब कुछ गोल्ड का ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? तो वही आज ये खरीदने जा रही है, आज इसका डिमांड हम पूरा करने जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है तुम्हें, अब तुम बताओ? बढ़िया लग रहा है। अभी तो लग रहा है कि चलो ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, पर अब देखते हैं ज्वेलरी में खरीदेंगे क्या। वो तो सरप्राइज रहेगा आप सभी के लिए। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहो और चलो हमारे शॉप, ज्वेलरी वाले शॉप पे आपको दिखाते हैं कि हम ज्वेलरी में क्या क्या आज खरीदने वाले हैं। क्योंकि ज्वेलरी में बहुत कुछ सोच रहे हैं लेने के लिए, पर क्या ले पाते हैं ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर। चलिए तो मिलते हैं वहीं जाकर के, है ना? कुछ कुछ बहरे एक्सपेंसिव होते हैं जी। दोस्तों तो फाइनली जो है हम लोग जो है शॉपिंग करके चले आए निशा के लिए, परचेस करके जो जो लाना था निशा ने ले आया। और पहले दिखाना चाहेगी या बताना चाहेगी? तो आप लोगों ने तो ऐसे वीडियो में भी देख ही लिया होगा कि हम लोग दुकान में थे, सोनार के दुकान में। तो निशा को चाहिए था जी मंगलसूत्र, ठीक है? तो आपको भी पता है कि मेरे खर्चे बहुत होते हैं मंथली भाई, बहुत ज़्यादा खर्चा, प्लस घर भी रहता है बेचने का, तो भाई खर्चे तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है? फिर भी इसको चाहिए था एक मंगलसूत्र। बोले कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल दिलाएंगे। तो देखिए उसके लिए मंगलसूत्र लाए हैं, आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये गोल्ड का ही है जी, ऐसा नहीं है मतलब सिटी गोल्ड नहीं है, ओरिजिनल गोल्ड है भाई। पहली बार इतना पैसा लगाया हूँ। अगर जो बात किया जाए इसका वेट का, तो वो भी बताते हैं। और बाकी इस पर होल मार्क वगैरह देख लीजिए, लगा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा आपको, पर हमें दिख रहा है कि होल मार्क इस पर है, मतलब जो होता है फर्स्ट टाइम गोल्ड परचेसिंग। सो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये गोल्ड। अगर जो बात किया जाए इसके प्राइस की और वेट की, तो वो निशा बताएंगी प्राइस वेट क्या है जी। पहले तुम अपने हाथों से क्लोज व्यू दिखा दो थोड़ा सा, उसके बाद वेट वगैरह की बातें करना, वेट और प्राइस की। तो ये देखिए इसका प्यारा मंगलसूत्र, रेड कलर की है, मोती में जो कि भरवाई है निशा ने, ये देखो। हाँ, ये रहा इसका मंगलसूत्र, ये रहा मेरा मंगलसूत्र। और हम लोग इसे बिहार में इसे ढोलना भी कहते हैं, और इसे मंगलसूत्र के तौर पे इसे पहना जाता है, इसे हमेशा डाल के रखना चाहिए। और मैंने अभी ख़रीदा है, मतलब कल ही ख़रीदे हैं हम लोग जा करके, ठीक है? अपना बजट सही हुआ, और बताई थे कि बहुत प्रकार के हमारे खर्चे, बहुत खर्चे हमारे, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम लोग खर्चा तो हो जाता है, और हम लोग ये सोचते हैं कि सोना वोना क्या करेंगे लेकर, खाने पीने में वो घूमने फिरने में लगा, सोना वोना बाद में लेते रहेंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही अहमियत रखता है हमारे रिश्ते में, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमें इसे ख़रीदना ज़रूर चाहिए। तो ये ख़रीदते हुए तो सबसे पहले तो राहुल ने मुझे बताया नहीं था, मैंने राहुल को बोला था ख़रीदने के लिए, तो राहुल ने बोला था कि ठीक है एक दो महीने में मैं ख़रीदूँगा, सोचूंगा इस पर। और मुझे नहीं पता था कि उसके बोलने के 5-6 दिन बाद ही मुझे ये ख़रीदाने के लिए लेके चला जाएगा एकदम सडनली, सरप्राइज़। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सोनार के पास गया तो यहाँ पे दिल्ली में ना बना बनाया नहीं मिलता है बहुत जगहों पर, ये ढोलना बोलते हैं यहाँ के लोग की, बहुत कम लोग यहाँ के लोग पहनते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मॉडर्न है, तो बहुत डिज़ाइन वाले पहनते हैं, तो ऐसा ढोलना बहुत कम लोग पहनते हैं। तो हमने ऑर्डर करवा के, राहुल ने ऑर्डर करवाया, उसके बाद मुझे ले गया खरीदवाने के लिए। तो मैंने पसंद किया था, बोला कि देखिए भैया बात ऐसा है कि दिल्ली में ऐसा नहीं चलता है जी। तो बोले भैया देखिए, भले ही हम दिल्ली में रहते हैं पर है तो बिहारी ही, दिल से तो बिहारी है, तो बिहारी ही लुक चाहिए हमें भाई। तो बोला ठीक है, बन जाएगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। उनको ये भी नहीं पता था कि ढोलना दिखता कैसा है, तो उसको हम गूगल से फ़ोटो निकाल के दिखाया है कि ऐसा जी, ऐसा है, ऐसा हमें चाहिए। बोला ठीक है, बन जाएगा, एक हफ्ते का टाइम लगेगा। तो फिर हम बोले ठीक है, एक आध दुकान पहले मैं ट्राई करूँगा जी, बना बनाया जहाँ मिल जाएगा वहाँ से ले लेंगे। फिर एक दुकान में गए जिसमें आप देखे कि दोनों हस्बैंड वाइफ थे, कि दोनों क्यूट क्यूट। तो उन्होंने एक दिन का टाइम मांगा कि एक दिन में आपको मिल जाएगा, तो दे दी एक दिन का टाइम। चलो एक दिन ठीक है, क्योंकि उसी दिन मेरे को मैरिज कराने के लिए जाना था, सोचे आएंगे उसको करा करके आराम से शाम को इसको वो दिला देंगे, है कि नहीं? तो वो एक दिन का टाइम लिया और जा करके दिला दिया। देखो निशा बोली थी कि दिलवाने के लिए,
कि एक मंगलसूत्र चाहिए मुझे ढोलना। बोले ठीक है भाई, पैसा होने दो, एक दो महीना में ले देंगे। पर फिर सोचे एक दो महीना में भी लेना है, अभी भी लेना है, तो क्यों ना अभी ले दे, है कि नहीं। बस इसीलिए सोचे कि ले दे भाई, आप लोगों का ये प्यार और सपोर्ट है कि सोचे चलो खरीदा ही देते हैं। तो आप लोग को अब दिखाइए इसका, थोड़ा बताइए क्या है। अगर पहले राहुल मुझे ये पहना देगा, उसके बाद में और कुछ बताऊंगी सीक्रेट बातें। चलो पहले तो चलिए पहले पहना ही दे। चलो ठीक है, मोबाइल को पहले मैं इस पर लगा करके स्टैंड कर देता हूँ ताकि आपको पहनाते हुए दिखा पाऊँ। ठीक है, फर्स्ट एवर ऑन कैमरा दिखा रहा हूँ आपको मंगलसूत्र पहनाते हुए निशा को। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। ये रहा हमारा प्यारा सा मंगलसूत्र, और आप लोग चलो गाना गाओ, सर्व मंगल सौभाग्यवती भव। चलिए निशा जी को पहनाते, टाइट से लगा देता हूँ भाई, गिर ना जाए हमारे प्राण निकल जाएगा। इतना महंगा यार, पहली बार इतना छोटा सा सामान का इतना पैसा, भाई क्या बोले, बहुत बुरा लगा। पूरा नहीं मतलब अच्छा लगा। फिर भी मतलब इतना प्राइस पहली बार किसी इतना छोटा प्रोडक्ट में हम लगाए हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी फोन को हाथ में ही लेकर के बातें करते हैं, क्या ठीक तो है ऐसे भी। चलो ठीक। हाँ जी, तो फोन हाथ में ले लिए क्योंकि आवाज उतना क्लियर नहीं जाता, आपके पास पंखा भी चल रहा है ऊपर, इसलिए सोचे वो सब हटा हुआ, डायरेक्ट फोन को हाथ में लेकर के बातें करते हैं। हाँ तो चलो, तो मैंने आपको बोला था मंगलसूत्र पहनाने के पहले मैं कुछ सीक्रेट बातें बताऊंगी, तो मेरी सीक्रेट बातें ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मंगलसूत्र को पहनकर। आई मीन इतने राहुल के हाथ से मंगलसूत्र पहनकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, और फिर बहुत ज़्यादा खुश थी मैं आप लोगों को बताने के लिए ये बातें, ये खुशी जाहिर करने के लिए आप लोगों के साथ। तो आप लोग बताना ये मेरा ढोलना कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, दिखाओ, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, बढ़िया से दिखा दे रही है निशा जी। ठीक है, देखिए फिर से क्लोज करते हैं, चम 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 कर रहा है भाई। और अगर बात की जाए इसके वेट की, तो इसका वेट है 3 ग्राम। ठीक है, और ये कितना 22 कैरेट का है। और अगर बात किया जाए इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस होगा 15 से 20 के बीच में ही होगा। आप लोग जरूर अंदाजा लगा के बताना। हाँ, आप लोग 3 ग्राम का है, आप लोग देखते हैं आप लोग का मैथ कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे आपको बता देता हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक, अगर जो आपको आपका भाई आपको हेल्प कर रहा है, थोड़ा सा ट्रिक दे रहा है। हाँ, एक ट्रिक दे देता हूँ। ठीक है, तो आप दिल्ली का प्राइस चेक कीजिएगा गूगल पे, गोल्ड का प्राइस। ठीक है, और उसमें जो भी होगा प्राइस, उसमें आपको 800 रुपये बढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 ग्राम का जो प्राइस शो कर रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब उसी से समझ जाना कि इसी के बीच आ रहा राहुल भाई का गोल्ड का प्राइस। ठीक है, आपको सोचिए एक बात कम से कम समझा दे, 800 रुपये पता नहीं इतना सारा वो मेकिंग कॉस्ट। हमने बोला कि भैया इस माला को गुथने का भी चार्ज उसने अलग से लिया है, 200 रुपये का माला है, और बाकी ये जो है ये जो गोल्ड है जो 15-20 के बीच के है, और बाकी हम बोले कि भैया गूगल पे तो यही प्राइस शो कर रहा है जी। तो बोला भैया गूगल पे जो शो कर रहा है वो बिस्किट का प्राइस है। ठीक है, आपको बना करके देंगे, तो मटेरियल जब हम डिज़ाइन करेंगे तो भैया उसका तो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा ना, इसकी वजह से उन्होंने चार्ज बढ़ाया। तो फिर भी करते 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 हमने कम कराया मतलब। हाँ, तो इसका प्राइस वैसे भी जो प्राइस है वो बोला मेकिंग कॉस्ट लगा करके, तो इसमें हमने जो है 600 रुपये घटाया। ठीक है, और बाकी उसको 15 से 20 के बीच जो है फिक्स प्राइस दिए हैं, 600 उसमें से लेस कर दीजिए। 600 कुछ कट लग रहा था, बोले भैया रखिए अब हमारी भी मजबूरी समझिए, आते ही रहेंगे, अब आप ही के दुकान में आएंगे, पहले किसी और शॉप पर लेते थे अब आपके पास आएंगे, और वैसे भी पहले किसी और शॉप पर ही लेते थे लेकिन अब इनके पास ही जाएंगे, है कि नहीं। और बाकी अगर जो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, आप ही लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से अभी हम लोग अर्न कर पा रहे हैं, कमाते खाते घूमते फिरते घर भी भेजते हैं और परचेज भी करते हैं, को भी पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं, घूमते फिरते आप लोगों को भी हेल्प करते हैं, एक्टिविटेड करते हैं। तो बस ऐसे ही आप लोग दुआ और सपोर्ट बनाइए, लव यू भाई लोग, आप लोगों का ऐसा ही प्यार और सपोर्ट चाहिए जी हम लोगों को। अगर जो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि मेरा ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, इसका प्राइस क्या होगा, बताइएगा जरूर। दुआ करते हैं आप लोग भी ये सब खरीदिएगा, आप लोग भी ऐसे ही मैरिज कीजिए, आराम से मेहनत कीजिए, सक्सेस कीजिए, उसके बाद आप लोग भी खरीदिए। और बाकी क्या कहें, आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे बाकी कि अगर जो आप लोग भी मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज या रूम चाहिए या जॉब चाहिए, वो सब हेल्प चाहिए होगा, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे मिल लीजिएगा, हम तीनों प्रकार की हेल्प करते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम का आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक उसका, और आईडी का नाम बता देते हैं rahuljaikar00। ठीक है, उसी पर आप हमसे मिलिए इंस्टाग्राम पर, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होगी तो वो बिल्कुल करेंगे। बाकी इस वीडियो को यही अंत करते हैं, बाय, लव यू दोस्तों, बाय, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना प्यारा सपोर्ट दिया कि अभी इतना प्यारा सा एक हम कुछ परचेज भी कर पाए, थैंक यू भाई, लव यू।